तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा मन की बात, जिसमें प्रधानमंत्री ने अपने विचार मन की बात के जरिए साझा किए और देशवासियों से साफ तौर पर कहा कि इस बार भी जो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है उसमें हर घर तिरंगा के जरिए, जो ये मुहिम पिछले साल चलाई गई थी, कैसे आप सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। वहीं ओकर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हथकरघा जो उद्योग है, अभी 7 अगस्त की अगर बात की जाए तो वो हैंडलूम डे आने वाला है, कैसे ये दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है और इसमें खास तौर पर महिलाएं किस तरह से सशक्त बन रही हैं, जिसपे साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हरियाणा से जुड़ी तमाम महिलाओं का। खास तौर पर बच्चों से भी संवाद हुआ, जहाँ एक ओर हमारे खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक्स में एक बूस्टर डोज देने की तैयारी कर रहे हैं, भारत का परचम लहरा रहे हैं, अगर हम बात करें तमाम एथलीट्स की तो कुछ ऐसा ही हाल मैथ्स की अगर बात की जाए तो जो भारतीय छात्र हैं, जो मैथ्स ओलंपियाड हुआ है, 5 भारतीय छात्र जिन्होंने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया, उनके विचार प्रधानमंत्री ने सुने, उनसे सवाल किया और उनके अनुभव जाने और उनके अनुभव भी जो तमाम श्रोतागण सुन रहे थे उन्हें उसका श्रवण करवाया। तो तमाम ये अहम बातें रहीं इस बार की मन की बात को लेकर। तो सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना के पास, जो कि इस वक्त दिल्ली के मेहरौली से जुड़ रहे हैं। गिरीश, इस बार का मन की बात बेहद खास रहा, खासतौर पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जो युवा बच्चे हैं उनसे तो संवाद स्थापित किया ही, साथ ही साथ कैसे भारत का सर अब गौरवान्वित हो रहा है, अगर हम बात करें हेरिटेज के लिहाज से, हम यहाँ पर बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स की और साथ ही मैथ्स ओलंपियाड को लेकर भी। देखिए आंचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार अपने मन की बात कार्यक्रम में कुछ ना कुछ नया जरूर बोलते हैं। इस बार भी उन्होंने युवाओं की बात की, खादी की बात की, तमाम वो मुद्दे चुने जिनसे कहीं ना कहीं जो सामान्य व्यक्ति का सरोकार रहता है। हम आज मेहरौली क्षेत्र में हैं और ये छतरपुर का इलाका है, यहाँ काफ़ी संख्या में ई रिक्शा वाले भी यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुना। कैसा लगा लोगों को आज मन की बात कार्यक्रम सुन के, दिल्ली के अंदर बात करते हैं सर, आज क्या अच्छा लगा आपको पीएम की मन की बात? प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से युवाओं के बारे में, हमारे पूरे देश भर के अंदर टूरिस्ट किस प्रकार से बढ़े नॉर्थ ईस्ट में, उसके बारे में बताया, किस प्रकार से महिलाओं के रोजगार के बारे में बताया, किस प्रकार से टाइगर्स की संख्या हमारे देश भर में बढ़ रही है ये बताया, ये पूरी देश के अंदर जिस प्रकार की अवेयरनेस जागरूकता के रूप में पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ऐसी अनेकों बातें बताते, महीने के लास्ट के संडे को मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करता हूँ और बधाई देता हूँ आपके चैनल को कि इस बार मेहरौली जिले से आप लोग जुड़े। सर आपको क्या अच्छा लगा जो उन्होंने एक विषय बताया टूरिस्ट को लेकर के, कि असम में एक स्पॉट बनाया गया है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा कर के देखें, तो ये प्रधानमंत्री जी क्या हमेशा ही कुछ ना कुछ नया खोज के लाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करते हैं, तो ये हमेशा प्रधानमंत्री जी का विषय रहा है कि कुछ नया चीज़ को मौका दिया जाए और कुछ नए लोगों को मौका दिया जाए। धन्यवाद। लोग काफी उत्साहित हैं, चल आप यहाँ देख भी सकते हैं, मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगा मोंटी के वेद्य से दिखाएं, यहाँ देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, काफी संख्या में ई रिक्शा चालक हैं यहाँ पर, कुछ महिलाएं भी हैं, एक बार महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैडम आप बताइए क्या अच्छा लगा हम हर महीने में हम अपने प्रधानमंत्री जी की मन की बात का प्रोग्राम देखते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये देखने को मिला। हमें पूरे देश से, देश दुनिया की जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जो लोगों के तक नहीं पहुंच पाती उन तक हम जागरूक हो जाते हैं और हमको पता लगता है और इससे हम एक नई सीख लेके अपने आप भी उसको कायम करते हैं। बिल्कुल गिरीश, और साफ तौर पर प्रधानमंत्री जिस तरह से हर घर का काम करते हैं पीएम जी, बिल्कुल, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा का ये जो मुहिम है जो पिछले साल शुरू हुई और इस बार भी 15 अगस्त पर लोगों से सेल्फी खिंचवाकर तिरंगे के प्रति अपनी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रप्रेम को उजागर करने का जिक्र किया, साथ ही साथ कैसे जो आने वाला हैंडलूम दिवस है उसमें हथकरघा जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा सेक्टर है, ये कैसे दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, जो तमाम लोकल उत्पाद है वो वैश्विक पटल पर जा रहे हैं, उसका भी जिक्र किया और लोगों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का किया है आह्वान। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री हर बार, क्योंकि जब 15 अगस्त की बारी आती है तो हर घर तिरंगा की बात करते हैं, कुछ और लोग भी हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए, पीएम ने हर घर तिरंगा की बात की तो क्या इस बार आप भी हर घर तिरंगा लेके लगाएंगे तिरंगा? हाँ जी, हम जरूर हर घर तिरंगा लगाएंगे। मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, उनकी हर योजनाओं को
मैं बड़े ढंग से सुनती हूँ और उनके लिए जो काम वो बताते हैं उनको बड़े उत्साहित होकर करवाती हूँ और करती हूँ। हम महिला मंच में प्रवक्ता के पोस्ट पे छतरपुर मंडल से हैं। आप क्या कहेंगे, कैसा लगता है आपको इनकी मन की बात सुनकर? बहुत अच्छा लगता है और हम ये हर महीने में जो आता है प्रोग्राम हम सब परिवार ये सुनते हैं और ये मोदी जी का हमारे ऊपर सौभाग्य है जो हम सब मिलकर इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो आज कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आप खड़े होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। कैसा लगा आज की मन की बात? बहुत अच्छा लगा। सबसे ज्यादा अच्छी बात लगी कि हर एक पेड़ माँ के नाम। सो सभी देशवासियों से आग्रह है कि मोदी जी की इस बात को ध्यान रखें। बिल्कुल। और इंदौर का जिक्र किया गिरीश, प्रधानमंत्री ने जहां 2 लाख से ज्यादा पेड़ इस मुहिम के जरिए लगाए गए और लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक बनाया गया, क्योंकि आने वाली पीढ़ी की हम बात करते हैं तो उसके प्रति भी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इन तमाम लोगों से हमें रूबरू करवाने के लिए और इनसे बात करने के लिए। लेकिन अब सीधे चलते हैं नवाबों की नगरी लखनऊ, जहां पर आशुतोष शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, अगर बात की जाए आज के इस मन के बात कार्यक्रम की, तो पीछे मैं देख सकती हूं कि श्रवण करने वाले बहुत से श्रोता वहां मौजूद रहे। खास बात यहां ये रही कि प्रधानमंत्री ने युवाओं, महिलाओं के साथ साथ कैसे जो लोकल उत्पाद हैं उन्हें वैश्विक पटल पर ले जाने के लिए जिस तरह से सरकार काम कर रही है, लोगों से बढ़ चढ़कर उस मुहिम में अपना योगदान देने के लिए, जन भागीदारी देने के लिए आह्वान किया है। बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील की कि उन्हें अपने लोकल उत्पादों को बाहर लेकर के जाना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं कि इस वक्त मैं मलिहाबाद में हूं, लखनऊ के मलिहाबाद में, जो आमों के लिए जाना जाता है। फलों का राजा आम है और उन आमों में भी दशहरी जो है कहीं ना कहीं उसका राजा है। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने सारे ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील की कि 15 अगस्त को लेकर के या अपने उत्पादों को लेकर के या खादी को लेकर के, हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे उनके विचार। आप आम उत्पादन करते हैं और आज का जो विचार सुना प्रधानमंत्री का, क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से मन की बात शुरू की है, एक जन जन तक ही उन्होंने उस विषय को पहुंचाया है। पूरे देश में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं वो दूसरे लोग तक कैसे पहुंचे, मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये बहुत ही ऊर्जा वाला है, जो हमारे नन्हे बच्चों के लिए हो या गरीब किसान के लिए हो, सभी के लिए प्रेरणादायी है कि उनके उन विचारों को सुनकर वो अच्छा कुछ करने का कार्य करना आरम्भ किया है। जैसे कि मलिहाबाद आम के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से पूरे विश्व में आम जाता है और आम की मिठास के साथ साथ में लगभग 40 वैरायटी के आम यहाँ पर हैं और हम समझते हैं कि यहाँ का किसान जो आंचल ये मलिहाबाद है, यहाँ की मिठास पूरी दुनिया में जाती है। लेकिन एक बात है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने अपील की कि किस तरीके से वो जो है हर घर तिरंगा, क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं पूरे देश में एक प्रकार का राष्ट्र भावना जागृत हुई है। लोगों के बीच में हर घर तिरंगा जो अभियान चलता है, एक सामान्य परिवार का भी व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति, एक शहर का व्यक्ति, हर घर से लोग तिरंगा लेकर निकलते हैं और अपने घर पर तिरंगा लगाते हैं। एक मैसेज जाता है कि हमको राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। बिल्कुल आचल, हम अगर कहें तो ये गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, सावन का महीना है और इसके साथ ही यहाँ पर एक बड़ी गौशाला है और उसके साथ ही ये मलिहाबाद भी है और मलिहाबाद में जो है फलों की मिठास है। हमारी तमाम बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की ने जो संबोधन दिया, जो कुछ बताया, कैसा लगा, क्या कहा? बहुत अच्छा लगा है जो कहा है, बच्चों को लेके भी बहुत अच्छी शिक्षा के भी बारे में कहा है और एक तो ये है घर घर तिरंगा लहराने के बारे में, ये बहुत अच्छा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी ये मतलब उसके अंदर देश के प्रति लगाव होगा और लोग जुड़े रहेंगे उससे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। हमारा कहना ये है कि हम भारत की नारी हैं और हम लोगों को ये हर काम जो है अपने रूप से करना चाहिए और भारत का गौरव बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल आशुतोष, तो किस तरह से महिलाएं सशक्त होकर आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे चल रही हैं इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इन सबसे बात करवाने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि प्रधानमंत्री जब श्रोताओं के रूप में प्रधानमंत्री को सुनते हैं तो उनकी मन की बात बहुत दूर तक लग जाती है। अब सीधे रुख करेंगे नैनीताल के भीमताल का, लखनऊ के बाद, जहाँ से उर्मिलेश भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। उर्मिलेश, साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने आज के मन की बात में
ड्रग्स जैसे विषय पर भी अपने विचार साझा किए और ये एक चुनौती बनकर खड़ा है। और इससे लड़ने के लिए मानस जो हेल्पलाइन है इस पोर्टल का भी जिक्र किया है, क्योंकि युवाओं की जिंदगी के लिए ड्रग्स कितना ज़्यादा हानिकारक है इसका जिक्र प्रधानमंत्री कई मंचों पर कर चुके हैं। और मन की बात के जरिए मानस हेल्पलाइन और पोर्टल के बारे में बात करना कहीं ना कहीं इस बात को दूर तक लेकर जाएगा और जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो वाकई इस मुसीबत से जूझ रहे हैं, उनके लिए बेहद अहम। उर्मिलेश। हाँ जी बिल्कुल निश्चित आंचल, आज मन की बात जो प्रधानमंत्री ने की है उसमें जो है पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले नैनीताल को जो है यहाँ पर भी भीमताल में यहाँ पे तमाम लोगों ने बैठ करके जो है मन की बात सुनी है आंचल। और इसकी मन की बात में क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसी तमाम बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं समाज के सरोकारों से जुड़ी होती है, ऐसी बात करते हैं जिससे कहीं ना कहीं नौजवान हो चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो या देश के तमाम जो लोग हो उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। और जो ड्रग्स की बात आपने कही तो निश्चित तौर से युवाओं में जो ये एडिक्शन है ड्रग्स का, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती की बात को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में की है तो कहीं ना कहीं तमाम जो युवा, जो बच्चे, जो छात्र यहाँ पर मन की बात देख रहे थे उनको कहीं ना कहीं इस बात से प्रेरणा मिली होगी कि ड्रग्स कितना जो है एक बड़ा चुनौती बन गया है, कितनी बड़ी समस्या है और कहीं ना कहीं ये हमारे स्वास्थ्य आने वाली जो पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आपके साथ युवा छात्राएं मौजूद है और प्रधानमंत्री ने छात्रों की मन की बात सुनी भी, उनके अनुभव भी सुने। खास तौर पर अगर मैथ्स की बात की जाए तो बहुत रोचक तरीके से उन्होंने जो तमाम छात्र वहाँ मौजूद थे उनसे चर्चा की, बात की कि भाई किस तरह से आपने तैयारी की। यहाँ पर भी छात्राएं मौजूद हैं और मैथ्स हमेशा से अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आपको डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि ये जो छात्राएं हैं वो अपने विचार साझा करें कि प्रधानमंत्री की मन की बात जब उन्होंने सुनी तो उनको किस तरह का अनुभव हुआ। जी बिल्कुल, सीधा इन्हीं से बात करते हैं आंचल। प्रधानमंत्री ने आज जो है मैथ्स की बात की है तो आपको कितनी बड़ी प्रेरणा लगी? यार वैसे मैथ्स में क्या आपको लगता है कि कुछ डर लगता है मैथ्स से? पहले डर लगता था कि लाइक फॉर्मूला लर्न करना पड़ता है, हमें सॉल्व करना पड़ता है, बट अब ये देख कर हमारे सीनियर्स हमें इंस्पायर हुए कि कोई भी चीज़ को अगर हम बार बार करें, प्रैक्टिस में रहे तो मैथ्स भी इजी हो सकता है। और ये अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री हमारे जैसे युवाओं पे ध्यान दे रहे कि हाँ आने वाला फ्यूचर में हम सब अच्छा करें, एक्सप्लोर कर पाए मैथ्स सब्जेक्ट लेकर के। और हमारे हर डेली लाइफ में भी हम देखते हैं हर तरफ मैथ्स है, पैसा का बात किया जाए उस पर भी मैथ्स कैलकुलेशंस होते हैं, फिर कल के हमें कुछ इन्वेंट करना होगा, हम इंजीनियर्स बनेंगे तो उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो अच्छा लगा। सर आपने मन की बात सुनी, क्या कुछ आपको प्रेरणा मिली, कौन सी बात आपको लगी जो कि आप अपने प्रेरणा स्रोत? माननीय मोदी जी ने जो घर घर तिरंगा यात्रा का जो उल्लेख किया, निश्चित रूप से उससे मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली और हम घर घर जाकर के तिरंगा यात्रा निकालेंगे और घर घर हर घर में तिरंगा लहराने का काम करेंगे और जो मोदी जी का जो मार्गदर्शन हमें मिलते आ रहा है उस उनके मार्गदर्शन में घर घर तिरंगा यात्रा निकाल करके देश के स्वतंत्रता सेनानियों को और देश को स्वतंत्र आज़ादी दिलाने वाले सब वीर जवानों को हम याद करने का काम करें। सर आप भी मन की बात सुन रहे थे, क्या कौन सी बात है जो प्रेरणा मिली? और मन की बात क्यों 112 एपिसोड था, आप लगातार सुनते हैं, आपने कहा कि मैं लगातार मन की बात सुनता हूं, तो ऐसी बात जो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा लगी हो आपको? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये 112वां एपिसोड था। आज जो उन्होंने खादी की बात कही है कि 7 अगस्त को खादी दिवस के रूप में मनाया गया, ये हमारे लिए प्रेरणा के लिए पूरे देशवासियों को हमने आह्वान भी किया है कि आप खादी का वस्त्र उस दिन अवश्य पहनिए, ये हम सबके लिए बहुत प्रेरणा का विषय है। बिल्कुल, और इसी तरह की प्रेरणावान आप भी मन की बात सुन रहे थे, क्या कुछ आपने प्रेरणा? आज जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वन्य एवं पर्यावरण के लिए जो एक चीज हमें यहाँ देखने को मिली कि बाघों को कैसे संरक्षित किया जाए और उसके साथ साथ ही वहाँ जो ग्रामीणों ने एक प्रयास किया, कुल्हाड़ी को उन्होंने रख दिया और पर्यावरण से जुड़ा, तो निश्चित तौर पर इससे वन्य जीव जंतुओं का जो संरक्षण है वो भी होता है और उससे टूरिज्म भी बढ़ता है और उससे प्रकृति का भी संरक्षण होता है। बिल्कुल जी, तो आपने सुना, हमारे साथ खासकर यहाँ पर एक मेहमान है, प्रधानाचार्य हैं और ओलंपिक की बात की है यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री ने, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि ओलंपिक जो हो रहा है उसमें नौजवानों की या छात्रों की कितनी बड़ी भूमिका, आगे चल करके इस बात से कितना बड़ी प्रेरणा लेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि युवा ही देश का भविष्य है, उसके कंधों पर ही परिवर्तन की जो जिम्मेदारी है और प्रधानमंत्री जी के विजन को हम सलूट करते हैं कि वो कितना आगे देखते हैं, अपने अतीत से जुड़ने की बात करते हैं, वर्तमान की चुनौतियों से लड़ने का संदेश देते हैं और कहते हैं कि भविष्य को कैसे संरक्षित और संवर्धित किया जा सकता है, एक समृद्ध भारत, सशक्त भारत कैसे बन सकता है, देश को गौरवशाली
जो अतीत था उस गौरवमयी स्थिति को पर फिर से लौटाया कैसे जा सकता है। तो प्रधानमंत्री जी के विजन को सैल्यूट, और ओलंपियाड बहुत जरूरी है क्योंकि एक स्वस्थ बिल्कुल तो दूरदर्शी विचारधारा रही है हमेशा से प्रधानमंत्री की, और कैसे पर्यटन को जोड़ सकते हैं आर्थिक प्रगति से, इस तरह के कई एग्जांपल्स हम प्रधानमंत्री के इस दूरदर्शिता में देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उर्मिलेश, क्योंकि हमारे साथ लगातार बहुत से और भी संवाददाता देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए। तो झारखंड चलते हैं, साहिबगंज से बरहेट से जुड़ रहे हैं दिवाकर कुमार। दिवाकर, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो अपनी संस्कृति की धरोहर के बारे में भी प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही, और ख़ास तौर पर जो आज़ादी के गुमनाम नायक हैं उन्हें किस तरह से सम्मान दिया जाए, जिसका हमने मुजाहिरा लसित बोरफुकन की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री ने खुद 9 मार्च को किया, उसका भी जिक्र इस मंच से प्रधानमंत्री ने किया है। कैसे हम टूरिज्म और साथ ही साथ संस्कृति को आगे लेकर चलते हैं, ये दोनों जो झारखंड की तस्वीर है और मन की बात के जरिए जो चीजें निकलकर सामने आती है उससे निश्चित तौर पर लोगों का उत्साह वर्धन होता है, और लोग लगातार प्रधानमंत्री की मन की बात को सुनने के लिए आप जो देख सकते हैं आज किस तरीके का उत्साह, अपने कैमरा पर्सन से हम कहेंगे कि वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाए कि वो जो उत्साह है वो कितना काबिले तारीफ उत्साह यहाँ पर देखने को आज मिला, कि काफी संख्या में, ये काफी दुर्गम इलाका है और ये जो बरहेट का इलाका है, साहिबगंज का इलाका है, यहाँ पर कई पीढ़ियों से ये लोग जो है ये बांस से अपनी जो कारीगरी करते हैं इसमें कई पीढ़ियाँ उनकी लगी हुई है, और उस पीढ़ियों के जरिए वहाँ पर ये निर्माण करते हैं, और देखिए किस तरीके से खूबसूरत निर्माण ये बांस के जरिए ये लोग करते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए जब कला संस्कृति की बात कर रहे थे कि कैसे उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, कैसे जो उनके छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं, कैसे जो पीढ़ियों से प्रयास चले आ रहे हैं वो आज के डेट में चाहे दिल्ली मंडपम हो चाहे दूसरे जगह हो, वो तमाम जगहों पर वो शोकेस का भी काम करता है, और उससे एक देश की जो रिच कल्चर उसकी भी झलक देखने को मिलती है। तो यहां पर देखिए आपको कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने किस तरीके से लोगों का हौसला बढ़ाया और लगा, कैसा लगा आज? बहुत ही अच्छा लगा। जहां ये सिद्धू कानू के शहीदों की धरती है और बरहेट, और यहां पर आदिम जनजाति ज्यादातर रहते हैं, और वैसे आदिम जनजाति जो लोग यहाँ के आसपास के जो बांस से बना हुआ कलाकृति है या अन्य चीज़ों से बना हुआ जो एक ग्रामीण परिवेश का है, उसको अगर दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री चर्चा में लाते हैं और उससे उसकी बिक्री बढ़ती है, उसका प्रचलन बढ़ता है। कैसा लगा आज मन की बात में, क्या प्रेरणा? मन की बात में यही लगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों का दिग्दर्शन कैसे कराते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, और कैसे जीवन का हर एक क्षेत्र में वो अपने देशवासियों को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूँ कि इस सुदूर एरिया में जहाँ उनकी दूरदृष्टि पड़ी और यहाँ के जो ग्रामीण के जो आदिवासी मोहली समाज के लोग हैं उन लोगों के द्वारा, चलिए वापस आएंगे आपके पास दिवाकर, लेकिन हम अब इस वक्त हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं। वहां के हरदा से श्रेयस द्विवेदी जुड़ रहे हैं। श्रेयस, क्योंकि यहां पर बाघों का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने मन की बात में किया, और जब मध्य प्रदेश का जिक्र आता है तो 7 के आसपास जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है, तो बाघों का संरक्षण इकोसिस्टम के लिए कितना जरूरी है इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया है आज मन की बात के इस अपने संस्करण में। बिल्कुल, देखिए बाघों के साथ साथ बात की जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब प्रधानमंत्री ने पूरे समूचे मध्य प्रदेश के साथ साथ ना सिर्फ बाघों के लिए बल्कि यहाँ की साड़ियों का भी जिक्र किया, साथ ही साथ आजकल के तकनीकी छात्रों की बात की जाए तो गणित में रुचि रखने वाले छात्रों का भी जिक्र किया, उनसे बात की। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं वैदिक विद्यापीठ मंदिर में, यहाँ पर वैदिक विद्यापीठम मंदिर में हम यहाँ पे मौजूद हैं, और साथ ही हम यहाँ के बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि कितना प्रेरणादायक रहा यहाँ का जो प्रधानमंत्री का संबोधन था उनके लिए। क्या नाम है आपका? जी मम नाम मयूर वैदिका। अहम यत वदामि प्रधानमंत्री महोदय यत उक्तवान तद बहु सम्यक अस्ति, परि यत प्रोजेक्ट अस्ति तस्य मध्ये यत भिन्ति अस्ति तस्य उपरि किमपि कोपि
स्वस्य मुखस्य यद गंदगी अस्ति तद् त्यक्त्वा गच्छति, परंतु इदानीं सः किमपि न करिष्यति। एतदर्थं किमर्थं तत्र यत् चित्रकला यत् कृतवन्तः तद् बहु सम्यक् अस्ति। ठीक है, क्या नाम है? मैं डॉक्टर राघवेंद्र हूँ। आज यहाँ वैदिक विद्यापीठ में सभी बटकों ने मन की बात सुनी और मन की बात बहुत प्रेरणादायी रही। इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि बाघों के बारे में जो सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है, दूसरा मानस के बारे में जो बताया है, वो मैं जो ड्रग्स के अंदर जो बच्चे किसी तरह से फंस जाते हैं तो वो कैसे निकल सकते हैं, ड्रग्स फ्री इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है, मुझे लगता है ये भारत की आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही एक उपयोगी होगा। इसी तरह से परी के बारे में जो बताया है, जिस तरह का आर्ट और आर्ट के साथ साथ में केवल आर्ट ही नहीं है, पूरी संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार कैसे वो युवा कर रहे हैं, ये बहुत प्रेरणादायी रहा है। मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी से बहुत प्रेरणा लेगी। क्या नाम है? मैं डॉक्टर रूप सिंह कराल हूँ। ये आज प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन रहा है मन की बात का, और जहाँ पर हम सुन रहे हैं ये बटुक लोगों के साथ में मान रमदा के तट पर जो बताया गया वो तो बेहद सारगर्भित है, लेकिन यहाँ का जो दृश्य देख रहे हैं, जो संस्कृत में भी एक बच्चे ने बोला हुआ है, वास्तव में हमारी वो भाषा का उपयोग किया गया है जिसका ओरिजिन से सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, क्या नाम है? गौतम वेदिका। हाँ, कितना प्रेरणादायक रहा इस बार प्रधानमंत्री का ने जो संबोधन दिया अपने मन की बात में, और क्या कुछ सीखा? अद्य वार्तालाप बहु सम्यक अस्ति। अद्य ये प्रेरणा अस्ति सह जीवन पर्यन्तं लाभदायकी अस्ति। अद्य बाघस्य वार्ता अपि अभवत्, साडी इत्यस्य भी एव नशा मुक्ति इत्यस्य वार्ता अद्य अभवत्। क्या नाम है? पवन द्विवेदी। क्या कुछ सीखा आज और क्या कुछ प्रेरणादायक रही प्रधानमंत्री जी के मन के बाद? यत् अस्माकं प्रधानमन्त्रिणा यः उक्तवान् अहं ध्यानेन श्रुतम् आसम्। तस्य एका वार्ता अहं मह्यं बहु रोचते। सः उक्तवान् कि अस्माकं 70% अस्माकं भारतदेशे बाघिनः बाघाः सन्ति, सः बहु गौरवः विषयः अस्ति। चलिए, तो साफ तौर पर हमने देखा श्रेयस की तमाम जो यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, उन्होंने संस्कृत की वाणी में अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, और जितना हम समझ पा रहे हैं तमाम जो पहले जन कल्याण इत्यत तमाम जो पहल जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज की मन की बात में किया है, वो इन छात्रों ने सुनी और इन छात्रों ने अपने अनुभव भी साझा किए। सीधे चलते हैं दिवाकर के पास। दिवाकर हमारे साथ मौजूद थे साहिबगंज से, रांची की अगर मैं बात करूं। दिवाकर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम वहां पर लोगों के जो अनुभव है वो सुन रहे थे, और जैसे प्रकृति के संरक्षण की बात यहां पर प्रधानमंत्री ने की, और जन जागरण और जन भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए माँ प्रकृति के लिए, उसका भी जिक्र आज प्रधानमंत्री ने मन की बात के इस संस्करण में किया है। देखिए आंचल, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम जो है हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है, और जिस तरीके से मैं पहले भी आपको बता रहा था कि यह झारखंड का बॉर्डर का इलाका है, दुर्गम इलाका है, साहिबगंज का ये बरहेट का जो इलाका है, ये पूरे महोली समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं ज़्यादातर संख्या में, और ये इस तरीके से इनकी कई पीढ़ियाँ बाँस का ये काम यहाँ पर करते हैं, और कितनी खूबसूरत आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में ये हुनर है। और आज जब निश्चित तौर पर ये मन की बात में इसकी तस्वीर देश और दुनिया ने देखी है, तो इनके जो हम कह सकते हैं उत्पाद है, और इनके जो हम कह सकते हैं जो इनके कारीगरी है, इनके हाथ में जो हुनर है, उसको एक नया मंच मिलेगा, इन्हें एक नया बाजार मिलेगा, ऐसा उम्मीद। लेकिन हौसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बात कर रहे थे कि किस तरीके से जन भागीदारी से जो देश हमारे पास कम है, हम जानते हैं कि मन की बात के इस कार्यक्रम में जो ये संस्करण रहा प्रधानमंत्री का बेहद प्रेरणादायी रहा, और तमाम जो अनुभव हमने देश के अलग अलग राज्यों से जो श्रोतागण प्रधानमंत्री को सुन रहे थे हमने उसका भी श्रवण किया। और साफ तौर पर एक बात निकल कर आती है कि जब प्रधानमंत्री खास तौर पर प्रकृति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं छात्रों का मन पढ़ने की, और साथ ही साथ जब वो चीयर फॉर भारत कहते हैं तो सभी उनकी बातों को बहुत संजीदगी से सुनते हैं। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं समाचार। दीजिए इजाजत, नमस्कार।